आज जी के वचन सुनिए और 500 रुपए का लेखा जो चैनल पे नवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए, मतलब मैं कितना भी काम कर लूं मेरे घर में बिल्कुल बरकत नहीं होती। आपके पति कहाँ हैं? घर पर है। हाँ? घर पर। वो आए नहीं? वो पहले आए थे, आज नहीं आए। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए समस्या क्या है? मतलब हम बहुत काम करते हैं। बेटा ने के बच्चे को ले लीजिए हम, ये थोड़ा सा। दोस्तों, गौरी गोपाल आश्रम में महिला पहुंची और आश्रम में महाराज जी से मांगती है 500 रुपए। रो रो के गुहार लगा रही है, क्या महाराज जी ने 500 रुपए की मदद करेंगे? अगर हाँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जो लोग महाराज जी को मानते हैं, वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा महाराज जी क्या सुझाव देते हैं और कैसे देते हैं। महिला रो रो के कह रही है कि हमारे पास 500 रुपए की ज़रूरत है और मुझे 500 रुपए चाहिए। बाबा जी क्या कहते हैं? महाराज जी उनको एक सुझाव देते हैं कि ऐसे करने से आप कुछ नहीं होगा, रोने से जो हम बता रहे हैं वो करिए और देखिए आपकी गरीबी कैसे दूर होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो देखते रहिए, लास्ट में सुझाव मिलेगा आप। बोलो, अब बोलो। गुरु जी, हम काम तो इतना करते हैं दिन में भी रात में भी, मगर बरकत नहीं होती। क्या काम करते हैं आप? पास करो माइक, पास में लो। क्या काम करते हैं? गजक बनाते हैं। क्या गजक? पायल। पायल चांदी की? चांदी की पायल बनाते हैं आप? आपके पति क्या करते हैं? वो भी यही। शराब तो नहीं पीते आपके पति? मांस तो नहीं खाते? वो पहले खाते थे, अब नहीं खाते। तो आप क्या दिक्कत है, जब पायल बनाते हो तो अच्छा खासा कमा लेते? कितना कमा लेते हैं महीने का? अब तो फिलहाल में कुछ काम भी हैवी नहीं है, अभी नहीं करते, अभी ज्यादा काम नहीं। फिर भी कुछ तो कितना कमा लेते हैं अभी प्रेजेंट में? 1000-2000 रुपये हफ्ते कर लेते हैं। 1000-2000 हफ्ता कर लेते हैं। तो इसमें खर्चा कुछ हो जाता होगा खाने पीने का? घर खुद का है किराए से है? घर खुद का है। तो आप घर में हैं, किराया भी नहीं लगता खाने पीने में, थोड़ा थोड़ा पैसा हमें बचाना चाहिए। बचाते हैं गुरु जी, हम पे ऐसी वो आती है परेशानी, एकदम में सारा पैसा चला जाता है। क्या परेशानी बताइए? मतलब साल नहीं हो पाती, उससे पहले हम जितना भी अपना थोड़ा थोड़ा करते हैं उसमें, मतलब पिछली बार हमारी बेटी गिर गई थी, उससे अच्छा। पहले एक्सीडेंट हो गया था, मतलब धीरे धीरे कुछ में चला जाता है। अच्छा, मतलब बीमारियों में चला जाता है, व्यर्थ में खर्च हो जाता है। हाँ। देखो ऐसा है, पैसे सब लोग कमाते हैं पर किसी के घर रुकता है, किसी के घर नहीं, इसका कारण है बहुत बड़ा। आप क्या करना सीखिए, मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ, समझिएगा, सबके लिए काम आएगी इनके प्रश्नों से। पहली बात तो अपनी आमदनी को बढ़ाइए, जैसे आप कर सकें बढ़ाइए, पहला। दूसरा, आप अपने खर्चों को बहुत कम कीजिएगा, जितना चादर है उतना ही हमें पांव पसारना चाहिए और खर्चे कम करना चाहिए। यदि जीवन में बहुत कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है और तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। काम घर पे ही करते हैं बेटा कि घर से कहीं बाहर जाना पड़ता है? नहीं, अब तो घर पे ही करते हैं। घर पे करते हैं। देखो आप लोग एक काम किया करिए कि घर में जो चींटियां होती हैं ना आसपास, हमें रोज चींटियों को आटा डालना चाहिए, कुत्ते की रोटी रोज निकालनी, कुत्ते को रोटी खिलाओ और गाय को रोटी खिलाओ, और हो सके तो अपने खाने के पहले किसी एक भूखे को भोजन स्टार्ट कराना शुरू कर दो। जब आप पुण्य करने लगते हैं तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, दानम दुर्गति नाशनम, हमारे जीवन की बददुआएं, हमारे जीवन का संकट यदि टलता है तो लोगों की दुआओं से टलता है। इसलिए जितना हो सके लोगों की दुआएं लूटिए। कैसे दुआएं मिलेंगी? भूखे को भोजन कराइए, गाय को भोजन कराइए, रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए। और हम ज़्यादा खर्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, गाय को एक रोटी, कुत्ते को एक रोटी, दो रोटी हो गई, मुट्ठी भर, आधी मुट्ठी भर आटा चींटियों को हो गया, इतने ही से हो जाएगा। फिर जब आपके पास भगवान धन दें तो फिर अपने स्तर से काम कर लेना, पर शुरुआत ये करो। आप जब खिलाने लगोगे चींटियों को तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब हम कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी का ध्यान नहीं देते, तो फिर भगवान भी हमको देखते, तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो हम तुम्हारे बारे में क्यों। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर भगवान भी आपके बारे में सोचने लगते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, जिस व्यक्ति को अपनी दुर्गति दूर करना है, दुर्गति मिटाना है, वो दान करे, ठीक है? इतना करना, सब अच्छा होगा, खुश रहिए। कीर्तन करना अपने घर में, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। गाइस, देखा आपने महाराज जी कैसे कैसे वचन सुनाए और कैसे महिला को बताया और उनकी जो समस्या थी समस्याओं का समाधान किया और कैसे कैसे उनकी समस्याओं का निवारण किया। तो
तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।